वेलकम टू चातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस शाहिदा मंजूर। टुडे आई कंटिन्यू चैप्टर 3 इंटरैक्टिंग विद द कंप्यूटर फ्रॉम बुक ऑक्सफर्ड कंप्यूटर वेज एंड देयर इज लेक्चर नंबर 19। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज रिव्यू कॉन्टेंट ऑफ प्रीवियस लेक्चर। In previous lecture, we were studied about computer functions and after that data input and input devices. Students, there is lecture content of today's lecture. Today we will study about computer function, data processing and processing device. After that, I am giving you home task. Data processing. Before study about data processing, I remind you what is input. Input mean we enter data into the computer. After the second step, we use to working in the computer, that is called a data processing. When the computer convert data into the information, it is called processing. It's mean previous video में मैंने आपको input device के बारे में बताया था, जिसमें हम अपना data computer के अंदर enter करते with the help of input devices. Just like we get the example of keyboard. जब हम डाटा अपना एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसको उसमें प्रोसेसिंग का फेस स्टार्ट हो जाता है, स्टेप स्टार्ट हो जाता है। और प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होती है? सीपीयू की हेल्प से होती है। वो हमारी हमारे डाटा को जो है वो यूज़ करते हुए प्रोसेसिंग करते हैं और हमारा जो रिजल्ट होता है, आउटपुट होता है, उसको हासिल करवाने में हेल्प करता है। सो डैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। इट मीन कि एक आपने इनपुट दे दिया, एक डाटा दे दिया है, अब उस पर वर्किंग जो होगी डैट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेसिंग। द कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन इट्स चेक स्पेलिंग इन द एसे। इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको जब स्टेप्स स्टार्ट करवाए थे कंप्यूटर में कि हाउ वी एंटर द डाटा, तो हमने एक एसे लाइक जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में एंटर किए थे। अब प्रोसेसिंग से क्या होगा? अगर उस एसे में कोई मिस्टेक्स होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, कोई एरर होगा, तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस या प्रोसेसिंग में हमें मॉनिटर पे प्रॉपर वो स्पेलिंग चेक, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमें इन्फॉर्म करता है। साथ साथ खुद भी करेक्शंस करते हैं। बहुत सी ऐसी स्पेलिंग्स होती है जो इंग्लिश लैंग्वेज में या नहीं होती ब्रिटिश इंग्लिश में, तो बहुत सी स्पेलिंग जस्ट लाइक अ नेम होते हैं, तो हमारे पास एरर्स आ रहे होते हैं। अगर वो सही होते तो इट्स ओके, हम जो है वो इग्नोर ऑल कर देते। अगर नहीं होते तो कंप्यूटर की हेल्प से उनकी स्पेलिंग्स में करेक्शंस करते। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम प्रोसेसिंग के थ्रू अपने कंप्यूटर में अपने जो एसे या जो भी हमने डाटा एंटर किया है उसमें करेक्शंस का प्रोसेस हम कर सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोसेसेस ऑल डाटा फीड इनटू द कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग डिवाइस में हमारे पास डिवाइस जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके थ्रू हमें अपना आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग होती है, हमारे दिए हुए इनपुट या हमारे जो डाटा होता है दो हमें जो हेल्प करता है डिवाइस, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू, सी मीन सेंट्रल, पी मीन प्रोसेसिंग एंड यू मीन यूनिट। सीपीयू आल्सो कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जस्ट लाइक जिस तरह हमारे ब्रेन में बहुत से हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह हमारे कंप्यूटर के बहुत से फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। इसीलिए इसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है, जिसके थ्रू हमारे फीड किए हुए डाटा में वर्किंग होती है, देन वी गेट द आउटपुट। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्लाइड आई एम शोइंग यू इंटरनल कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सीपीयू, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेसिंग डिवाइस। द बेसिक कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सीपीयू, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, हार्ड ड्राइव, सीपीयू कूलर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट इज द डिवाइस दैट कैरीज आउट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू मस्ट बी प्लेस्ड इनटू द मेन मेमोरी। सीडी और डीवीडी ड्राइव that we insert into the CPU, an optical disk drive that read and writes all common CD and DVD formats, motherboard present in the CPU. A motherboard is a printed circuit found in many modern computer which hold many of the crucial component of the system. Hard drive, that component is also present in the CPU, and that part of the CPU is very important for whole system.
A hard disk drive is a hard drive device that's used to store information like software and files. Power supply. Power supply also very important for the system because all system working with the help of power supply. The component that supplies powers to the computer. Dear students, in this slide I am showing you computer function. First we enter data with the help of input device, then computer processing with the help of CPU, that's also called a brain of computer, and also CPU help to storage our data or documents into the computer. And then we get output with the help of processing device, and different output device give the output of our documents. Dear students, in this slide I am showing you what the CPU. I hope dear students you understand about data processing and the device that is used in data processing and what the basic component that is used in the CPU. Now it's time to home task. Dear students, there is an activity in your book page number 22. State whether the statement are true or false. Number 1, headphones are an input device. That's a true or false? That's a false, because headphone is a output device, microphone is an input device. So you write false in a blank. Now come to second one. A picture of face on the monitor is output. A picture of face on the monitor is output. Yes, that's a true statement. Now come to number 3. Devices that are used to enter information into the computer are called output device. Devices that are used to enter information. Information को computer में enter करते हैं into the computer, that's are called output device. No, that's are a input device. So this statement are false. So you write false in a blank. Number 4, mouse and keyboard are input device. Mouse and keyboard are input device. Yes, that's are a true statement. So you write true in a blank. I hope dear students to thoroughly understand about today's topic and book activity. Inshallah, in next video we will continue this chapter. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz.